that you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. यहाँ पर भी जो शिवलिंग आपको देखने को मिलते हैं वो स्वयंभू है, अर्थात वे स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हें स्थापित नहीं किया गया है। तो बिल्कुल ठंडी हवा और सामने इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स विद स्नो पीक्स और सामने देखिए हेरिटेज हाउस आपको दिख रहा है, जय गंगा मैया। सामने हमें मुखबा में जहाँ पे माँ गंगोत्री का मायका जिसे कहा जाता है वो हमें यहीं से बहुत सुंदर उसके भी दर्शन हो रहे हैं। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। देखिए इतनी सुंदर जगह, ये जगह हमने आपको पहले भी दिखाई है जब हम गंगोत्री धाम गए थे, लेकिन सच में इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है। स्पेशली ये जो पाइन ट्रीज इस तरह से है और सामने अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको पूरा टिहरी झील दिखेगी, सामने इतने सुंदर माउंटेन्स, जगह बहुत खूबसूरत है। आज हमने अपनी यात्रा देहरादून से शुरू की है और पहुँचने वाले हैं माँ भागीरथी के तट पर बसा बहुत सुंदर शहर उत्तरकाशी। अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम वहाँ से आगे भी जाएंगे, निलोंग वैली तक जाएंगे। आपको बहुत सारी प्लेसेस हम पहले भी दिखा चुके हैं जब हम माँ गंगोत्री धाम गए थे। रास्ते में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अलग और जगह आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन यहाँ आने का सबसे सही समय है या तो मानसून में जब यात्रा थोड़ी धीमी हो जाती है और वादियाँ बहुत खूबसूरत हो जाती हैं, या फिर यात्रा ख़त्म होने के बाद आप इन जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जाने से पहले लेकिन ये मैं आपको ज़रूर नोटिफाई कराना चाहूँगी, देखिए यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पर मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ पर मुझे सिर्फ बियर कैंस और शराब की बोतलें दिख रही हैं। तो जगह को, ये नेचर है, इसको बचा कर रखें, सुंदर जगह को सुंदर ही बना कर रखें, इस तरह से गंदगी ना फैलाएं, ये रिक्वेस्ट है आपसे। हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। देहरादून से लगभग 145 किलोमीटर का सफ़र हमने ये तय किया है 5 घंटे में अप्रॉक्स, बीच बीच में हम रुकते हुए आए हैं। आप यहां पर आते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तीनों जगह से आपको बसेस अवेलेबल हो जाती है, और साथ ही चिन्यालीस और एक बीच में जगह है जहाँ पर आप देहरादून से हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, और वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की ये दूरी है तो आप वहाँ से कैब करके आ सकते हैं। ये एक अच्छा वाटर स्पोर्ट्स के लिए, देखिए यहाँ पर पूरा बना हुआ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, क्या चार्जेस हैं वो देख लेते हैं। चलिए, बहुत सारी हमें यहाँ पर राइड्स दिख रही हैं, स्पीड बोट, जेट अटैक, कयाकिंग, पेडल बोट, और ये 150 रुपीज़ से इवन 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट हैं। ये जॉबिंग बॉल हमने वहाँ पर अभी बच्चों को कराए थे, टिया विदित को, वहाँ पर 200 रुपीज़ पर पर्सन लिया था, यहाँ पर 100 रुपीज़ है। तो चलिए इस फ्लोटिंग फ्लोर पर चलते हैं। जनरली जब यहाँ पर बहुत भीड़ होती है तो ये फ्लोटिंग फ्लोर पे जाने का भी यहाँ पर इन्होंने चार्ज रखा हुआ है 10 रुपीज़ पर पर्सन, क्योंकि हमने उनसे पूछा अभी तो वो कहने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर सारे लोग यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए हमने ये मिनिमम चार्ज रखा है 10 रुपये का। आई थिंक इट्स ओके। इट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। हम जब भी इस तरफ आते हैं उत्तरकाशी में ही हम पृथ्वी को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, हमें जहाँ भी जाना होता है ना ये सारी चीज़ों का एक सोल्यूशन है यहाँ पे। आपको किसी भी ट्रैक पे जाना है, कहीं पे दर्शन करने हैं,
ये सारे अरेंजमेंट हमारे करा देते हैं। तो ये निलोंग वैली के लिए भी इवन इन्होंने जादुंग उससे आगे है वहाँ के लिए हमारे लिए परमिशन पहले से ले ली है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए लेते हैं, ये इनका काम है। तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनका नंबर दे देंगे। यहाँ पर जितने भी ट्रैक्स हैं, दयारा बोग्याल, हर की दून और कौन सा तपोवन है, बहुमुख तपोवन, तो केदार कांठा, ये सारे ट्रैक्स अगर आपको करने हैं तो ही इज़ द राइट पर्सन। आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके घर बैठे प्रोग्राम्स बन जाएंगे। इट इज़ एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इतना लंबा राउंड इन्होंने दिलाया हमें। जितनी गर्मी लग रही थी ना, ठंडक आ गई। उत्तराखंड में जितने भी अभी तक हमने वाटर स्पोर्ट्स किए हैं, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा भी आया। और ये एक्चुअली जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो बहुत रीजनेबल है। तो यहाँ आकर आप ये एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इतनी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो ऑफकोर्स भूख भी लगेगी, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो यहाँ पे देखिए, आपको कैफ़े ऑन द वेव मिल जाता है, जिसमें बहुत ही रीजनेबल मुझे प्राइजेस दिख रहे हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं स्पेशली बच्चों के लिए। पहाड़ों में मौसम का कुछ नहीं पता होता। देखिए, अभी इतनी धूप थी और अभी एकदम से बारिश का मौसम हो गया, हल्की हल्की बूंदें भी आ गई है। पृथ्वी ने हमें बताया है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बस स्टैंड के पास ही भोला जू सेंटर है, जो 35 साल पुराना है। काफी सारी वैरायटीज दिख रही हैं। चलिए अपने आप को ठंडा कर लेते हैं, जूस पी लेते हैं पहले। ये मैंने कोशिश की एक बार में पीने की, लेकिन थोड़ा सा रह गया बट बहुत टेस्टी है। यहीं से जो नीचे रास्ता गया है, यहाँ पर हमने आपको जब हम गंगोत्री धाम गए थे, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराए थे। जैसा कि कहा जाता है, उत्तर काशी भविष्य की काशी, यानी कि कलयुग में जो काशी विश्वनाथ के दर्शन आप कर पाएंगे वो यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ के सामने ही माँ शक्ति के भी दर्शन कर सकते हैं। इतना बड़ा त्रिशूल जो आप देख रहे हैं, इस त्रिशूल की बहुत ही बड़ी महिमा है। कोई भी दिल से अगर इसको एक उंगली से टच करेगा तो ये हिला सकते हैं, अगर वैसे ही आप इसको हिलाना चाहें तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। देखिए, एक बहुत ज़रूरी अपडेट हमें लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के कॉल्स आ रहे थे अभी 15 जून तक रजिस्ट्रेशन क्योंकि ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी हम उत्तरकाशी में ही आगे मनेरी डैम से पहले हिना एक जगह है, वहाँ पर हम लोग हैं और देख रहे हैं यहाँ पर बूथ बने हुए हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी तरह की फैसिलिटी आपको हरिद्वार ऋषिकेश में भी मिल जाती है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन करवा लें, लेकिन ये करवाना मैंडेटरी है। उत्तरकाशी में ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मनेरी डैम। इतना ज़्यादा फ्लो होता रहा है, मतलब ठंडक यहाँ तक महसूस हो रही है। और अगर आपको पूरा नहाना है तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, लोग इवन वहाँ खड़े भी हैं और पूरे गीले हो चुके हैं। मनेरी डैम के पास ही आज हम लोग लंच कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा कैफ़े दिखा है, द ब्रीज कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब लिखा हुआ है इन्होंने। फूड कैसा है वो खाने के बाद बताएंगे आपको। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर की है थाली, दो थाली में से शेयर करेंगे तो तीनों का हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम कम ही खाते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह का फूड ना खाया जाता है, और हमें एक्चुअली ट्रैवल के टाइम पे ये इस तरह का फूड ही पसंद है, क्योंकि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बिल्कुल फ्रेश टेस्ट अच्छा है। मज़ा आ गया खाना खा के, पेट इतना भर गया। जबकि अच्छा हुआ हमने दो थाली मंगवाई, क्योंकि इसमें चार फुलके बड़े बड़े वो भी, और इतने सारे राइस, दो सब्ज़ी, दाल, छोले, दही, ये सब था। इसका जो कॉस्ट है इस थाली का 150 रुपीज़ में इतना सब कुछ। वाओ, देखिए क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। भटवारी से एक रास्ता जाता है गंगोत्री की तरफ, लेकिन हम भटवारी से 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ आए हैं, रैथल गांव की तरफ। और आज हम लोग अभी कुछ टाइम के लिए यहीं रहने वाले हैं। वैसे हमारा स्टे का प्रोग्राम था, लेकिन अभी कुछ प्रोग्राम चेंज हो रहा है,
क्या चेंजेस आते हैं वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन पहले ये इतना खूबसूरत विलेज है बिल्कुल हट के वो आपको दिखाएंगे। हम पहुंच गए हैं रैथल और अब जा रहे हैं हम अपने होम स्टे की तरफ, और शायद ये फसल कटने का टाइम है इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर गेहूं की फसल कट चुकी है। हम पहुंच गए हैं रैथल होम स्टे, बहुत अमेजिंग जगह है ये, इतनी पीसफुल और ठंडक, मतलब नीचे हम अभी जब उत्तरकाशी में थे इवन भटवारी में इतनी गर्मी थी कि हमें लग रहा था कि हम हिल्स पे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हिल्स पे हैं, लेकिन जैसे ही हम ऊपर चढ़ने लगे हवा ठंडी मिलती रही और यहाँ पहुँचे हैं तो बिल्कुल ठंडी हवा और सामने इतने ब्यूटिफुल माउंटेन्स विथ स्नो पीक्स, और सामने देखिए हेरिटेज हाउस आपको दिख रहा है, 550 साल पुराना, पंचपुरा इसे कहा जाता है। ये रैथल में ही है, इसकी पिक्चर मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देखी थी, और इसी तरह के बहुत सारे यहाँ पर आपको हेरिटेज होम स्टेज भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक होम स्टे में हम पिछली बार रहे थे, अभी आपको वो भी दिखाएंगे, वो भी इन्हीं का है। और पहले अभी जो इन्होंने कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन किया है ये देख रहे हैं आप, पूरा वुडन वुडन का कुछ बनाया हुआ है, तो कुछ लोग जैसे कि आजकल चाहिए होता है अटैच वॉशरूम के साथ, फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो उस तरह से कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है। क्या है दिखाते हैं आपको। तो टोटल इस फ्लोर पे इन्होंने 4 रूम बनाए हुए हैं, 2 बिल्कुल फ्रंट वाले हैं जहाँ से आपको व्यू बहुत अमेजिंग मिलता है, और 2 अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर हम आपको व्यू वाला रूम ही दिखाते हैं। 3 लोगों की बेडिंग की हुई है इसमें, बेडिंग कम्फर्टेबल है, इवन ब्लैंकेट भी गर्म है क्योंकि यहाँ पर ठंडा रहता ही है। विंडो से आप पूरा व्यू ले सकते हैं, इनफैक्ट विंडो ओपन भी कर सकते हैं, नीचे कारपेट भी दिया हुआ है। अभी कुछ देखने से भी आपको लग रहा होगा कि काम थोड़ा कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ कुछ चीज़ें अभी लगनी बाकी हैं, और बहुत मुझे कलरफुल लग रहा है ये रूम क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, साथ में अटैच वॉशरूम। ये दूसरा रूम है, ये भी बिल्कुल सेम लग रहा है मुझे, रूम में स्पेस काफ़ी है, और ये इनका डाइनिंग एरिया है, काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि हवा इतनी प्यारी लग रही है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से उठने का। खाना हमने लास्ट टाइम खाया था यहाँ पर, लोकल फूड ये लोग ज़्यादातर आपको सर्व करते हैं, और साथ में खाना बहुत डिलीशियस होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जिस तरह से सर्व किया जाता है वो बहुत अल्टीमेट चीज़ है। स्पेशली आपने लस्सी पिलाई थी लास्ट टाइम मुझे, मठा, हाँ वो मठा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अभी तो हमने क्योंकि लंच बाहर कर लिया है तो अभी हम यहाँ पर चाय पियेंगे। ओपन किचन है जिसमें आप खुद से भी कुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये खाना तो आपको प्रोवाइड करते ही है। ये अंदर वाला रूम है जिसमें आपको फ्रंट व्यू नहीं मिलता है, लेकिन देखिए विलेज का व्यू मिल जाएगा, साथ में घर है। अब हम जा रहे हैं इनके पुराने वाला जो हेरिटेज होम स्टे है वो आपको दिखाने के लिए, हम लास्ट टाइम वहीं पर रहे थे, बहुत मज़ा आया था। ये है इनका वो हेरिटेज होम स्टे, 500 साल पुराना, यहाँ से व्यू देखिए, ऊपर स्नो पीक्स, फिर नीचे माउंटेन्स और नीचे माँ भागीरथी, बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे वेदर इतनी जल्दी चेंज होता है, अभी देखिए धूप थी एकदम से बादल हो गए, और अभी मुझे बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, हो सकता है बारिश भी हो जाए। बहुत ही प्यारा होम स्टे है ये, और यहाँ पर आकर लोग रहते तो हैं ही लेकिन साथ में इस जगह पर फोटो ज़रूर क्लिक करते हैं, आप भी आकर अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। हमने इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, अंदर से किस तरह का है वो पूरा हमने दिखाया हुआ है। चलिए हमारा टी ब्रेक हो गया है रैथल में, और अब उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से धराली के लिए क्योंकि कल आगे हमारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, अदरवाइज़ मेरा बहुत मन था यहाँ पे रहने का, बहुत प्यारी जगह है, लेकिन हम धराली में रहेंगे और वहाँ से कल फिर निलोंग वैली के लिए निकलेंगे।
भयारा बुग्याल का खूबसूरत 7 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ से शुरू होता है रैथल से ही। वैसे ये बारसू से भी शुरू होता है लेकिन यहाँ से शॉर्टकट है और आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि आपको रैथल में होम स्टे मिल जाता है, तो यहाँ पर आप रह सकते हैं और नेक्स्ट डे अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसके आगे भी एक ट्रैक हमें अभी पृथ्वी ने बताया है, गिडारा बुग्याल, तो वो भी अगर आपको करना है तो आप पृथ्वी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको रास्ते में अगर आप चार धाम यात्रा करने आते हैं, अभी हम गंगोत्री वाले रास्ते में हैं, तो इस तरह से अभी वन वे इन्होंने किया हुआ है जगह जगह पर, और आधे घंटे से 45 मिनट तक आपको वेट करना पड़ सकता है, और इस तरह के 4 से 5 स्टॉपेजेस आपको बीच में मिल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसे भीड़ में फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, तो भी आप इन नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। जय गंगा मैया, जय भोले बाबा। इतने सुंदर अभी आरती हो रही है और हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे कल्प केदारेश्वर मंदिर हमने पहले भी दिखाया है, बहुत पास में ही है, लेकिन क्योंकि हम जस्ट अभी पहुँचे हैं और आरती ऑलरेडी शुरू हो गई है, जब तक हम पहुँचेंगे ख़त्म हो जाएगी, हम यहीं से सुन रहे हैं। सामने हमें मुखबा में जहाँ पे माँ गंगोत्री का मायका जिसे कहा जाता है, वो हमें यहीं से बहुत सुंदर उसके भी दर्शन हो रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सुबह 6 बजे चले थे और हमने ये सोचा था कि हम जितना चल पाएंगे आज अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल हमें निलोंग वैली जाना है, इसीलिए हम रैथल नहीं रुके, हम यहाँ आगे आ गए धराली तक, लेकिन बीच में क्योंकि बहुत जैम था फाइनली हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे हैं 13 घंटे की जर्नी के बाद, और आगे हिम्मत नहीं थी। ये होटल पैसिफिक है धराली में, बाहर से देखने पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन एक्चुअली रूम बहुत अच्छे हैं, और हमें क्योंकि इस टाइम पर रूम मिलना वो भी ऐसी लोकेशन के साथ, क्योंकि हमारे लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है, तो हमने जब इनसे पूछा कि इनके रूम्स में बालकनी है, तो इन्होंने हमें जब रूम दिखाया हमने एकदम से ओके कर दिया। अपना रूम तो मैं दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले लोकेशन देखिए, यहाँ पर आपको कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, बहुत सुंदर माँ भागीरथी के दर्शन, और देखिए ये सामने एप्पल ऑर्चर्ड है पूरा। तो देखिए सबसे पहले अपना रूम दिखाती हूँ, टोटल यहाँ पर 17 रूम्स हैं लेकिन सिर्फ एक ही रूम बचा था जो हमने लिया है। रूम थोड़ा सा आपको स्पेस में कम लगेगा लेकिन यही रूम बचा था इसलिए हमने ले लिया, वैसे इनके पास बाकी जो रूम्स हैं वो बड़े हैं थोड़े। अभी एक रूम आपको वो भी दिखाएंगे क्योंकि अभी गेस्ट चेक इन नहीं हुए हैं लेकिन क्योंकि ऑक्यूपाइड है। सबसे अच्छी चीज़ देखिए यहाँ से, जो हमने व्यू आपको बाहर से दिखाया है वो हमारे बेड से आपको मिलेगा, बेडिंग काफ़ी कम्फर्टेबल है। और अगर हम बाकी एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ मुझे सिर्फ केटल नहीं दिख रहा है, बाकी टीवी है, मिरर दिख रहा है, साथ में अटैच वॉशरूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हमारा रूम जो हमने आपको दिखाया है वो हमें मिला है 4,500 रुपीज़ में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो आज रात का डिनर होगा, कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे। हमारे रूम के साथ में ही ये दूसरा रूम है, ट्रिपल शेयरिंग है ये रूम और काफ़ी बड़ा है क्योंकि हमारे रूम से ऑलमोस्ट मुझे डबल लग रहा है ये, इसमें सिटिंग स्पेस अलग से है। तो इस रूम में मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं जो हमें चाहिए होती हैं, इवन वार्डरोब भी है, टीवी यहाँ पर है, काफ़ी सारे इन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, लेकिन सेपरेट बालकनी भी है, और यहाँ से भी आप सामने ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू आप देख सकते हैं और सामने स्नो पीक्स भी हैं ऊपर। यात्रा जब करते हैं ना तो बहुत थके हुए फील करते हैं, इनफैक्ट हमारे गेस्ट भी कई बार बोलते हैं कि हमें ना ऑन रोड होटल देना ताकि हमें ज़्यादा चलना ना पड़े। तो एग्जैक्टली ये देखिए बिल्कुल ऑन रोड है लोकेशन इसकी फ्रंट साइड से, लेकिन अगर बैक साइड से मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है, बिल्कुल डिफरेंट। देखिए हम शूट कर रहे थे, आपको होटल दिखा रहे थे, पार्किंग स्पेस तक आए थे और देखिए रोड पर निकलते हुए
हमें हमारे गेस्ट मिल गए। कहाँ से आ रहे हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से? ये कह रहे हैं कि जब हम कहीं घूम नहीं पाते तो आपके वीडियोस के थ्रू घूम लेते हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आपका अच्छा लगता है तो हम लोग जरूर देखते हैं रात में। जी जी, तो अभी आप गंगोत्री धाम होके आए हैं, तो गंगोत्री धाम का वीडियो देखा था हमारा? हाँ देखा हुआ। यमुनोत्री हुई, अब गंगोत्री, अब जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। अच्छा, चारों धाम करेंगे। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही लंबी जर्नी वाला था और इसीलिए हम लोग बस यहाँ पहुँचे और अपने रूम में गए तो हमें नींद आ गई और अब हम उठे हैं 9 बजे। भूख लगी है तो हमारा डिनर रेडी है। इसमें हमने दाल फ्राई मिक्स वेज ऑर्डर किया है और गर्मा गर्म फुलके। खाना खा के बताएंगे खाना कैसा है। खाना खा के हमारी थकान उतर गई क्योंकि खाना एक्चुअली बहुत टेस्टी था और आधी थकान हमें अभी यहाँ से जो पानी की आवाज़ आ रही है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और सामने ये लाइट्स जलते हुए मन कर रहा है बस यहीं खड़े रहो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी सोना है और सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठकर हमें निकलना है नेलोंग वैली के लिए। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल पाएगा निलोंग वैली का। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे और जब आप आएंगे ऑफकोर्स आप भी वहाँ पर जाएंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। Stupid.